हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भाई ब्रेजा VXi 2023 में जो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, इनका थ्रो वगैरह कैसा है, और ये जो VXi में जो हेडलैम्प्स आते हैं ना, इनका भाई वो मतलब VXi में नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं और LXi में भी वही आते हैं। आपके ZXi में और ZXi प्लस में थोड़ा सा हेडलाइट में अंतर आ जाता है, तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इनका थ्रो कैसा है कैसा नहीं, बाकी मतलब आपको आफ्टर मार्केट वाले जो HID या LED वगैरह होती है उन्हें लगवाने की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी आप जैसा देख पा रहे हो ना, ये मैंने ना लो बीम शुरू कर रखी है, मतलब लो बीम चालू कर रखी है, और अभी आप देखोगे तो मैं ये डिपर मार रहा हूँ, आपको कुछ अंदाज़ा लग पा रहा होगा, पता नहीं कैमरे में। तो ये देखो, अभी मैंने हाई बीम पर कर दी है, अभी आप इसका थ्रो देखना, ये जो चल रही है ना अब हाई बीम पर चल रही है ये। तो ये देखो भाई, अब जैसे मैं एक बार आपको लो बीम पे करके दिखाता हूँ, मतलब ये पूरी बंदी करके दिखा देता हूँ, फिर आप देखना एक बार बंद, मतलब पूरे अंधेरे से अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि क्या इसका थ्रो वगैरह है, ये सब सारी चीज़ें आप देखते रहना। तो अभी जो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है अभी फ़िलहाल में, तो मैंने अब यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया ना, तो अब देखते रहना। अब मैं इन्हें ऑन करता हूँ, और ये जो अब हाई बीम ही शुरू हो गई, अब ये जो है ये इसकी लो बीम है। ऐसे मैं डिपर मारूंगा तो सामने वाली गाड़ी पे क्या इसकी रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो भाई वीडियो में जो है ना आखिरी तक बने रहना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अभी यार कोई गाड़ी वगैरह तो आ नहीं रही, एक गाड़ी ये पीछे चल रही है, पता नहीं आएगी या नहीं, एक मिनट रोक के देखता हूँ, आ तो रही है। तो भाई अब इस पे देखना, मैं इस पे जैसे डिपर मारूंगा ना तो क्या क्या फर्क पड़ता है, ये देखो भाई अभी जैसे मैं डिपर मार रहा हूँ तो ये मतलब इतना ऐसा पास है इसका, जो डिपर है ना ये ऐसा सा है कुछ, आपको पता नहीं अंदाज़ा लग पा रहा होगा या नहीं। वीडियो में एक बार जूम और करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये देखो। और मैं एक बार आपको इसका बाहर से भी दिखाऊंगा, जो मैं प्रोजेक्टर बता रहा हूँ वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स कैसे दिखते हैं कैसे नहीं, मैं दिखाता हूँ ये आपको। इसमें भाई आपके नॉर्मल वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, इनका जो थ्रो है मतलब ये जो ऐसा सा लट्टू सा होता है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसके अंदर जो है ना ये प्रोजेक्टर रहता है और इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये इसमें छोटी वाली जो मतलब वैसी वाली लाइट आती है वो जल जाती है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प जल जाते हैं। अभी जो है ना ये हाई बीम पर हैं, तो इनका आप थ्रो देखो कैसा है, ये जो है ना इनका थ्रो कुछ ऐसा सा है। लो बीम पर करना, लो बीम पर। अब ये देखो भाई, ये अब लो बीम पर हो गया, अभी आपको दिख पा रहा होगा, ये मैं गाड़ी से उतर के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, इससे आपको बढ़िया अंदाज़ा लग जाए। अब हाई बीम पे करना, हाई बीम पे, ये देखो भाई अब हाई बीम पे, हाई बीम पे, हाई बीम पे, अब ये भाई हाई बीम पे हो गया है। बाकी इन्होंने ब्रेजा ZXi और ZXi प्लस में तो ये देते हैं LED के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देते हैं, और भाई उसमें ना दो दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, शायद से वो लो और हाई बीम के दोनों के अलग अलग हैं। आपको जैसे हाईवे वगैरह पे चल रहे हो ना आप, और आपको थोड़ा सा ज़्यादा सा उजाला चाहिए, तो भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप अपनी गाड़ी में ना LED ज़रूर लगवा लो, क्योंकि भाई अभी आप रोड पे चल रहे हो और अच्छा खासा उजाला है ना पहले से ही आपकी रोड पे, तो भाई इतना कुछ वो नहीं देते ये, इतना बढ़िया थ्रो नहीं है इनका, जो ऐसा बढ़िया थ्रो देते हैं ना जो मतलब और भी LED वगैरह थ्रो देती हैं, उतना बढ़िया थ्रो नहीं है जैसे कि आपका ZXi और ZXi प्लस में जो थ्रो मिल जाता है आपको। ये तो भाई आपको मतलब बाहर से लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप हाईवे वगैरह पे ज़्यादा चलते हो तो, बाकी पूरे अंधेरे में तो इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो कामयाब हैं, ज़्यादा उजाले में ऐसा पता नहीं लग पाता, जैसे मैं ही अभी कन्फ्यूज़ हो गया था, मतलब इसके हाई बीम और लो बीम को लेकर मैं ही अभी कन्फ्यूज़ हो गया था, मुझे ही नहीं पता लग पा रहा था कि ये हाई बीम पर है लो बीम पर है। तो भाई गाड़ी की हेडलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी में, जैसे कि आपको पता है जो हमारी लोअर रेंज की गाड़ियाँ आती हैं उसमें तो हमारे आते हैं नॉर्मल रिफ्लेक्टर, जो कि ज़्यादा अच्छा थ्रो फेंक नहीं पाते।
और जो आपकी अच्छी बढ़िया गाड़ियां आती हैं जैसे फॉर्च्यूनर हो गई और भी टोयोटा वगैरह की कैमरी वगैरह हो गई, उनमें जो आपकी एलईडी आती हैं उनका जो थ्रो होता है वो ऐसा होता है जो कि इस शीशे पे हम बिल्कुल फिर देख ही नहीं पाते, इस शीशे पे नजर ही नहीं जा पाती। और जो आपकी मिड रेंज गाड़ियां होती हैं जैसे क्रेटा सेल्टोस इन सब में हायर वेरिएंट्स में तो आते हैं एलईडी बल्ब्स, पर जो इनके मिड वेरिएंट होते हैं इनमें आते हैं प्रोजेक्टर्स, जैसे इस हमारी ब्रेजा में भी प्रोजेक्टर दिया हुआ है जिसकी हेडलाइट की विजिबिलिटी जो है हमें तो सही लगती है। बाकी अगर कभी हमें चेंज करानी हुई तो हम इसमें एलईडी डलवा लेंगे ब्लू। ये भाई अब ये मेरे सामने ही चल रही है ये उसकी टोयोटा की हाई राइडर, इसमें वो वाली लाइट आती है मतलब एलईडी आती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ। और इसका मैं आपको थ्रो बताऊं यार, ऐसे तो दिख नहीं पाने का इसका थ्रो कैसा है। बाकी मैं आपको एक बार ऐसे डिपर से अंदाजा लगाता हूं, मतलब इसका भी अगर काफ़ी अंधेरा हो रहा है तो बढ़िया सा है इसका थ्रो। अगर आपके हाईवे पे काफ़ी उजाला हो रहा है तो इनका थ्रो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइट वाली जो एलईडी होती है उनका ही काफ़ी बढ़िया थ्रो लगता है। ये आपके नॉर्मल हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का थ्रो तो जैसा मैंने आपको दिखाई दिया है ऐसा सा देखने के लिए मिल जाता है यार। हाँ आप देखना ऐसा सा थ्रो देखने के लिए मिल जाता है। अभी मैं हाई बीम पर चला रहा हूँ गाड़ी, तो आप देखते रहना वीडियो में कैसा इसका थ्रो है। अभी ये देखो भाई ये इसकी ना ये अभी लो बीम है, अब मैं हाई बीम पे डिपर करके मतलब डिपर मार के दिखाऊंगा आपको सामने वाली गाड़ी पे, तो आपको ऐसा अंदाजा सा लग जाएगा कि अगर आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो तो जो डिपर है वो सामने वाली गाड़ी पे कैसी रोशनी मारता है। तो अभी देखना आप, ये मेरे सामने बलिनो खड़ी है, मैं इस पर थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, तो अभी आप देखते रहना। ये देखो भाई ये मेरी गाड़ी का ही मतलब मेरी गाड़ी की हेडलाइट का थ्रो है वो कुछ ऐसा सा है। ये देखो भाई सीधे ना हेड रेस्ट पर ही मार, मतलब जो पीछे वाला हेड रेस्ट होता है उस पर ही मार रहा है, जो ड्राइवर के और साइड वाले पैसेंजर का हेड रेस्ट होता है ना सीधे ही उस पे थ्रो मार रहा है। ये देखो मतलब पूरी गाड़ी में सामने वाली में उजाला सा कर देता है एकदम। ये देखो बढ़िया अंदा मतलब बढ़िया है थ्रो, इतना तो बेकार नहीं है। ये देखो तो भाइयों मैंने आपको इसका हेडलाइट के थ्रो के बारे में बताई दिया है कितना कामयाब है रियल लाइफ में जो इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं हेलोजन वाले वो कैसे हैं कैसे नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। अगर भाई आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।